brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रहीसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत के बाद रूस ने अमेरिका को दोषी ठहराया है। यह दुर्घटना रविवार को उत्तर पश्चिमी ईरान में अजरबैजान की सीमा के पास घटी थी। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लवरोव ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की मंत्री स्तरीय बैठक में इस घटना के लिए अमेरिका के प्रतिबंध को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी विदेश मंत्री लवरोव ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध ने ईरान समेत कई देशों की विमान सुरक्षा पर गंभीर असर डाला है। उन्होंने कहा, अमेरिका इससे नकारता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिन देशों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं उन्हें विमान उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं। इससे विमान सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित होती है। लवरोव ने आगे कहा, यह प्रतिबंध जानबूझकर आम नागरिक को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं। जब स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति नहीं होती है तो सुरक्षा के स्तर में कमी आना स्वाभाविक है। लवरोव का यह बयान कजाकिस्तान में आयोजित SCO की बैठक में आया, जहां उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की। रविवार को ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर भारी बारिश और धुंध के कारण पहाड़ में जंगलों में क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री, दो वरिष्ठ स्थानीय अधिकारी, दो सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक क्रू सदस्य मारे गए। बचाव कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने में 17 घंटे से अधिक का समय लगा। सोमवार को हेलीकॉप्टर का जला हुआ मलबा मिलने के बाद राष्ट्रपति रईसी की मौत की पुष्टि की गई। इससे पहले पूर्वी ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारीफ ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों को राष्ट्रपति रईसी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। जारीफ ने कहा था कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान में विमान क्षमता प्रभावित हुई है, जिससे जरूरी एविएशन पार्ट की खरीद नहीं हो पा रही है। इसी कारण राष्ट्रपति रईसी और उनके सहयोगियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वह अमेरिका का हेलीकॉप्टर बेल 212 था, जो कि एक पुराना मॉडल है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान आधुनिक सामान या विमान या उसके स्पेयर पार्ट्स आयात नहीं कर पाता है, जिससे उसका विमान क्षेत्र कमजोर हुआ है। 2018 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते से पीछे हटते हुए ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान अपने विमान क्षेत्र के लिए घरेलू तकनीक पर ही निर्भर है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जारीफ ने कहा था, कल की त्रासदी के पीछे दोषियों में से एक अमेरिका है, क्योंकि उसके प्रतिबंधों के कारण ईरान को जरूरी एविएशन पार्ट खरीदने से रोक दिया गया है। इसी कारण राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों को शहादत देनी पड़ी। अमेरिका का यह अपराध ईरानी लोगों को हमेशा याद रहेगा और यह इतिहास में दर्ज रहेगा। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से अमरीकी प्रतिबंधों का प्रभाव पर बहस छेड़ दी है। देखना होगा आने वाले दिनों में इस मामले में क्या और खुलासे होते हैं और यह मामला किस दिशा में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।